हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 5 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 प्रोफेसर एंगल्स का लेक्चर नंबर 2 व्हिच इज प्रॉब्लम सेट नंबर 25। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले अभी हम लोग अपना एंगल्स का, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था प्रॉब्लम सेट नंबर 24। ये टेबल के बारे में हम लोगों ने मैंने आपको सिखाया था और इसके एंगल्स के बारे में बताया था, चैप्टर के बारे में बताया था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो यू कैन सी इट इन माय चैनल, आप वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले अभी प्रॉब्लम सेट नंबर 25 में है एंगल्स इन। ये देखिए, क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। मेजर द एंगल्स गिवन बिलो एंड राइट द मेजर्स इन द गिवन बॉक्सेस। ये जो एंगल्स है इनका जो मेजरमेंट है वो हमको निकालना है डिग्री के हिसाब से। इस तरह ये देखिए, डिग्री के हिसाब से निकालना है मेजरमेंट और हमको इन बॉक्सेस में लिखना है। वेल, मेरा टेक्स्ट बुक थोड़ा सा ख़राब है बट मैंने आपके लिए अलग से बना के रखा हुआ है, यही डिग्रीज का सेम मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखिए, मैंने यही एंगल्स बना लिए हैं जो जो डिग्री के, ये जो रॉन्ग हो गया है। ये देखिए, जिस तरह ये बने हुए हैं उसी तरह मैंने बनाए हैं अपने बुक में। तो मैं आपको वहाँ से एंगल मेजर करके बताऊँगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अपना मेजरमेंट। ओके, सो फिलहाल तो अभी हम लोग पहले इसका मीनिंग ढूँढेंगे कि हम लोगों को ये किस तरह, ये जो मेजरमेंट है वो किस तरह ढूँढना है। ओके, सो मेजरिंग एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स में हमको, सो अभी हम लोग यहाँ पर हमें किस तरह मेजरमेंट ढूंढना है वो हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी एंगल का मेजरमेंट निकालना है। सपोज़ यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, एंगल एबीसी। ये देखिए, एंगल एबीसी है। सो इसका मेजरमेंट निकालने के लिए जो प्रोटेक्टर होता है, जो जैसे ये इस तरह का जो टूल होता है एंगल्स के मेजरमेंट को ढूँढने के लिए, जिसे यस, ये देखिए मेरे पास भी है। ओके, सो इससे हम लोग अपना एंगल का मेजरमेंट ऐसे इसके ऊपर रख के निकालेंगे। वेल, यहाँ जगह तो नहीं है, मैं आपको अपने बुक में निकाल के दिखाऊंगा। सो मैं आपको पहले यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। सो सबसे पहले आपको जो एंगल है, ये देखिए मैं आपको इधर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो एंगल है हमें उसके पॉइंट पे, उसके वर्टेक्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वर्टेक्स क्या होता है, किसी एंगल का मिड पॉइंट उस पर रखना है हमको। ओके, और हमें उसका मेजरमेंट निकालना है। देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हर जगह पर मेजरमेंट्स लिखी हुई है। और आप ये सोच रहे होंगे दो बार मेजरमेंट क्यों लिखी हुई है। वेल, दो बार इसीलिए क्योंकि जो लोअर वाला होता है ना, जो लोअर साइड में होता है उसे हम लोग लेफ्ट में यूज़ करते हैं, लेफ्ट साइड में। जैसे कि ये लेफ्ट साइड में मैंने रखा हुआ है, अगर कोई दूसरा एंगल यहाँ इस साइड में होगा, ये देखिए, अगर ये देखिए, ये एंगल जो है वो राइट साइड में बना हुआ है, तो हम लोग इसे यहाँ रखेंगे तो हम लोग इस तरफ से ऊपर वाला जो है ना वो हम लोग लेफ्ट साइड, राइट साइड में जो एंगल बने हुए होते हैं उसके लिए हम लोग ऊपर वाले एंगल्स को मेजर करते हैं, और जो लेफ्ट साइड में जो एंगल होते हैं हम लोग उनको नीचे वाले, मतलब जो लोअर वाले मेजरमेंट्स हैं ना उनके हिसाब से हम लोग उनका मेजरमेंट लेते हैं। समझ में आया आपको किस तरह हमको करना है। राइट साइड में हो तो हमको वो अपर साइड वाला मेजरमेंट निकालना होता है, और अगर लोअर साइड, लेफ्ट साइड में हो तो हमको नीचे वाला मेजरमेंट लेना होता है। ओके, तो आपको ऐसे रख के मिड पॉइंट पर रख के एंगल को हमको मेजरमेंट लेना है। ये 40 डिग्री है, दिख रहा है ना आपको, पूरी एक लाइन जा रही है 40 के लिए, तो ये आंसर निकलेगा इसका 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट सच टाइम्स द प्रोटेक्टर असाइड एंड एक्सटेंड द आर्म्स ऑफ द एंगल, एक्सटेंडिंग द आर्म्स ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज द मेजर ऑफ एंगल। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग किसी एंगल का जो आर्म्स होते हैं ना, आर्म, ये देखिए, मतलब आर्म्स मतलब ये या फिर ये, हम लोग बहुत बड़ा कर देते हैं, बहुत ही एक्सटेंड कर देते हैं, खींच देते हैं उसको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो एंगल का मेजरमेंट चेंज हो जाता है। एंगल का मेजरमेंट वही रहता है, बस उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, मेजरमेंट वही रहेगा उसका, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं, एंगल के वर्टेक्स से, यानी एंगल के मिड पॉइंट से। ओके,
समझ में आया किस तरह मेजरमेंट लेना है? देखिए इन्होंने भी एकदम मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। और एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हमें जो जब भी मेजरमेंट लेना होता है एंगल का, तो हमको इसके वर्टेक्स से जो लाइन होती है ना, बेस लाइन इसकी, ये देखिए ये जो लाइन है ना, बेस लाइन जो यहाँ पे दिख रही है आपको, तो वो जो है वो एंगल से एकदम टच होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तभी ही हम लोगों का एंगल प्रॉपरली मेजरमेंट गिना जाएगा। ओके, तभी ही राइट एंगल राइट हो जाएगा हमारा एंगल, नहीं तो अगर आप ऐसे करके देखोगे तो कुछ उसका आपको सही मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए अगर मैंने इसको एंगल के बेस लाइन के साथ मैंने इसको टच किया है, तो इस वजह से वो मिल रहा है 40 से, यानी 40 डिग्री है इसका एंगल का मेजरमेंट। बस यही था इसका मेन बात जो हमको हमारे दिमाग में रखनी है। और आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है बेस इस चैप्टर का, आपको समझ के ही लेना है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ये चारों जो सम्स है ना, चारों जो एंगल्स है वो आसानी से आप मेजर कर सकते हो। अब ये देखिए, सी हाउ द एंगल्स गिवन बिलो हैव बीन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इधर से आप देख लीजिए एक अच्छी तरह से, आपको एक रेफरेंस दिया गया है किस तरह हम लोगों को मेजरमेंट लेना है एंगल का। प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। डी शेप की स्केल भी बोलते हैं काफ़ी बच्चे, आप उसके उससे भी याद रख सकते हो इसको। देख रहे हो 90 डिग्री एकदम प्रॉपर बनाया हुआ है। ओके, सो अभी हम लोग अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं एंगल करना बनाना। सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंगल है हमारा ये, हमको इसका मेजरमेंट निकालना है और इस बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको, एक सेकंड, मैं इस बुक को थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ तभी ये मेजरमेंट ले सकता हूँ। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो एंगल का जो प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है उसको हम लोगों को एंगल के लाइन से मैच करना है। ये देखिए मैंने पूरा मैच कर दिया है, पूरा 40 डिग्री आ रहा है, देखिए पूरा मैच है मेरा, मतलब ये है पूरा 40 डिग्री और ये लेफ्ट साइड एंगल है हमारा, तो हम लोग नीचे से गिनेंगे विच इज़ 40 डिग्री। ओके, सो वी विल राइट ओवर हियर विच इज़ 40 डिग्री। समझ में आया ना किस तरह लिया मैंने, जो नीचे वाला लाइन है ना, नीचे वाला लाइन लोअर लाइन, उससे मैंने लिया इसका मेजरमेंट। ओके नाउ फर्स्ट हो गया, सेकेंड वन, सेकेंड एंगल, ये तो क्रॉस है। ओके नाउ आई कैन टेक सो यहाँ सेकेंड एंगल आप देख रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा है, ये बना हुआ है इस तरफ से। ओके सो अगेन मैंने ये मिड पॉइंट पे रखी है, मैंने मिड पॉइंट पे रखी है एंड इट इज़ 115 डिग्री। ये देखिए पूरा मेरा टच हो रहा है नीचे बेस लाइन और ये जा रही है, देखिए 110 है यहाँ पे, 110 ये लेफ्ट साइड से मैं ले रहा हूँ, 110 और 120 के बीच में लाइन है ना बीच में, तो इसका मतलब ये 115 है, देख रहे हैं प्रॉपरली आया है। सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 115 डिग्री। ओके अभी यहाँ पर देखिए आपको ये इस तरह का एंगल है, मैं एकदम टेक्स्ट बुक में जिस तरह बने हुए हैं ना मैंने उसी तरह बनाया है, देखो। ओके सो ये इस तरह के एंगल्स हैं, तो ये जो है ना एंगल ये उल्टा बना हुआ है। एंगल किस तरह का भी बना हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको सीधा ही बनाया जाए। ये देखिए ये इस तरह लिया गया है उल्टा और ये फुल 90 डिग्री है। ये देखिए 90 पे खड़ा हुआ है, देखिए मैंने पूरा टच किया हुआ है बेस लाइन से, इस तरह हमको लेना है। ओके एंगल का मेजरमेंट, सो ये उल्टा हो सीधा हो किस तरह का भी एंगल हो, एंगल किस तरह का भी हो सकता है, तो हमको यहाँ क्या लिखना है, 90 डिग्री। ओके सो नाउ अभी हम लोग फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं।
ये थर्ड सम हो चुका है 90 डिग्री। नाउ फोर्थ सम ये है एंगल, देखते हैं अभी इसका क्या मेजरमेंट है। तो ये इस तरफ है थोड़ा, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर इसको पहले हम लोग बेस पे प्रॉपर जिसकी लाइन है इसके साथ मैच करेंगे। ये देखिए मैच है पूरा ये, और ये आ रहा है 85 डिग्री। अभी हम लोग सोच रहे होंगे एक सेकेंड 95 डिग्री लग रहा है, वेल वो आप ऊपर से मत देखिए, नीचे से देखिए, नीचे से, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और ये 90 के पहले है। लेफ्ट साइड देखिए 80 और 90 के बीच में आ रहा है, तो ये 85 डिग्री है, समझ में आया, 80 और 90 के बीच में है वो ऊपर। वो हम लोग अगर राइट साइड में होता ना हमारा एंगल तब हम लोग वो देखते, बट ये हमारा राइट लेफ्ट साइड में है। सो अभी हम लोग 85 डिग्री करेंगे इसको। मेरा ख़राब हो गया थोड़ा सा, फिर 85 डिग्री लिख देते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, यही था मेरा आज का लेक्चर वीडियो। सो टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश जलानी चैनल। और अब मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में, विच इज़ प्रॉब्लम सेट नंबर 26, लेक्चर नंबर 3। प्रॉब्लम सेट 25 यहीं कम्प्लीट होता है, और लेक्चर नंबर 26 में ये अभी हम लोगों ने क्या सीखा 25 में, कि हमको ये एंगल्स दिए गए थे और हमको उनके डिग्री लिखने थे। यहाँ हमको डिग्री दिए गए हैं, हमको उनके एंगल्स बनाने हैं डिग्री के। ओके सो वो कैसे करना है वो मैं आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में प्रॉब्लम सेट 26 में सिखाऊंगा। सो टिल देन कीप ड्रॉइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।